बागपत के जिला जज राजीव शर्मा ने बड़ो तहसील पहुंचकर ग्रामीण न्यायालय का निरीक्षण किया। उन्होंने न्यायालय में आने वाले वाद, उनके निस्तारण व्यवस्था आदि का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण न्यायालय के जज शोभित बंसल से भी बातचीत की। इस दौरान उनका रेवेन्यू बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं द्वारा स्वागत एवं सम्मान किया गया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मवीर सिंह ने जिला जज राजीव शर्मा को सम्मानित किया। इस दौरान अध्यक्ष धर्मवीर सिंह ने जिला जज से ग्रामीण न्यायालय में और सुविधाएं देने व अधिक से अधिक काम देने के साथ साथ तहसील में सिविल कोर्ट की संस्थापना कराए जाने की मांग की। उन्होंने यह भी बताया कि ग्रामीण न्यायालय की व्यवस्था के बाद से अभी तक 25,000 वाले केस यहां पर आने शुरू हुए हैं। इस पर जिला जज राजीव शर्मा ने एक सप्ताह के भीतर ग्रामीण न्यायालय को लेकर की गई मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया। साथ ही सभी अधिवक्ताओं से अपील की कि वे भी किसी भी तरह के विवादों के कारण न्यायालय के कामकाज को प्रभावित न होने दें। आज तहसील में ग्राम न्यायालय जो हमारे यहाँ स्थापित हुआ है उसका मुआयना करने के लिए जज साहब आए थे। उनको हमने भी अपने बार हॉल में आमंत्रित किया था। कुछ मांगे थे हमारी कि जो बकाया केस वर्क है वो ग्राम न्यायालय में भेजा जाए। जज साहब आए और उन्होंने आश्वासन दिया है कि एक सप्ताह के अंदर जो भी काम ग्राम न्यायालय का है वो सब जो है मैं आपके न्यायालय में भेज दूँगा।